ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਵੈਸੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਮਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਚਦੇਵਾ ਹੈ, ਔਰ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੇ ਇਨਕੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਥੀ, ਔਰ मेरे मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती और बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं देखी थी मैंने तो, पर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं अंदर से एक थी आवाज़ थी कि बस जाना है, ये इवेंट जाना है, जाना है। और इतनी दिक्कत आई ना जब मैंने जाना था, मैं 2-4 बार तो बीमारी होगी, कभी अर्जेंसी होगी, मैंने मना भी कर दिया कि मैंने नहीं आना है, पर लेकिन अंदर से फिर सुबह उठी तो आया नहीं यार जाना है, तो मैं आफ्टर ऑल मैं पहुँच ही गई यहाँ पे। कैसा लगा आपको? इतना एक्सीलेंट, मैं कहूँ कि इंसानियत का मसीहा है रणदीप। अरे वाह, दिल को छू जाती है उनकी हर बात, हर वो बात है जो वाक्य में जो आत्मा की बात है, कहते ना तुर्की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई, वो एब्सोल्युटली वही है। और ये सब चीज़ें कहीं प्रेजेंट नहीं है। मैं भी जाती हूँ बहुत जगह, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हर जगह घूमती हूँ, जाती हूँ, माथा भी टेकती हूँ, लेकिन वाकई में ये सब चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की ना, वो वैसी कहीं होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती ऐसी। और मैं कहती हूँ कि मतलब ऐसे इवेंट ज़रूरी होने चाहिए। नाम है ये, हमने आज सुना है, ज़िंदगी सिर्फ एक दायरे में बंद नहीं है, ज़िंदगी को खुल के जियो, जितनी मिली है उसका खुदा का परमात्मा का वाहेगुरु का शुक्र करो और खुल के जियो, यही सिखाया। ऐसे लगता है कि वो हमारी वाली बात यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारी वाली बात बोल रहे हैं। हाँ जी, जदों असीं गुरबाणी दे नाल लगते हैं ना, तो सानू सारी सोझी पैंदी है। पॉजिटिव एनर्जी फुल आई है। बाकी मैंने उन्होंने ये गल अच्छी लगी कि जिदा हूँ बच्चे जिदा देखते हैं कि बच्चे भी किधर ने राह जा रहे हैं, जो बच्चे ना आने तो ज़्यादा बैटर है कि गाइडेंस भी दे रहे हैं गुरबाणी के बच्चे।